और भारत सरकार से जो धनराशि आई उस धनराशि का आवंटन भी गलत तरीके से किया गया और उसमें भी केवल मात्र एक काम किया कि राजनीति में अवसर तलाश किए गए हैं और उसमें कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया और ये कहा गया कि हमारा कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है। आप देखेंगे कुल्लू के दशहरे में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची की गई है वह भी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। बीजेपी उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आपदा में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भी इस बार भ्रष्टाचार और फिजूल खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव में बंजार घाटी के देवी देवताओं के टेंट को उखाड़ कर अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए बीजेपी पूरे प्रदेश में आज आक्रोश रैली दिवस के रूप में मना रही है। माता की, भारत माता की। मेरा आग्रह रहेगा मंच पर वो लोग बैठे जिनका मैं यहाँ पर संबोधन नाम पुकारूंगा, मंच पर आदरणीय श्री गोविंद ठाकुर जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र शौरी जी, लुकेंद्र जी, जिला के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, श्री सुरेंद्र शौरी जी, अध्यक्ष रहे पंडित भीमसेन शर्मा जी। इसी कड़ी में मेरा नंबर आग्रह वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आज से एक वर्ष पहले सत्ता पर बैठी थी और ये एक वर्ष विफलताओं का और नाकामयाबियों का वर्ष रहा है और इस एक वर्ष में प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं। जनहित की जितनी योजनाएं चलाई गई थी उन योजनाओं में पैसा आ नहीं रहा है और फिर इस वर्ष एक भारी आपदा प्रदेश में आई और जिस आपदा के कारण से हजारों लोग बेघर हो गए, अनेक लोग अभी भी शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं और लगभग 500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस वर्ष में ऐसे ज़रूरतमंदों को सहायता तो ये सरकार उपलब्ध करवा नहीं पाई और भारत सरकार से जो धनराशि आई उस धनराशि का आवंटन भी गलत तरीके से किया गया और उसमें भी केवल मात्र एक काम किया कि राजनीति में अवसर तलाश किए गए हैं और उसमें कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया और ये कहा गया कि हमारा कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है और कई पात्र लोग हैं जिनको वह धनराशि मिलनी चाहिए थी उनको मिली नहीं और कुल्लू ज़िला में तो जब हमारे लोगों ने आवाज़ उठाई तो अंततः जब जांच की गई तो उस जांच में मणिकरण के पटवारी को सस्पेंड किया गया और ये पाया गया कि कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए थी कि भाई आखिरकार पटवारी ने किसके कहने पर ये किया और मुझे लगता फिर जांच रोक दी गई क्योंकि पूरे जिला में ऐसे अनेकों अपात्र लोग निकलते और इस सरकार को जश्न मनाने का या खुशी मनाने का कोई अधिकार नहीं, जनता की ज़रूरतें पूरा करना ही आवश्यकता और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी आज 11 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आक्रोश रैली का आयोजन करेंगे जिसमें जो कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के दौरान 10 गारंटियां देने की बात की थी उसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना आशियाना बना रहे थे, अपना घर बना रहे थे, उन सब लोगों को भी रेत बजरी मिल नहीं पाई। अब जब मिलनी प्रारंभ हुई है तो वो लगभग 2500 रुपये अधिक रेट पर उनको खरीदनी पड़ रही है, काला बाजारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया और इसलिए इस सब को लेकर के आज कुल्लू जिला में भी हम यानी आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और इस बार का आप देखेंगे कुल्लू के दशहरे में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची की गई है वह भी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है और पहली बार कुल्लू के दशहरा में
लगभग 20-21 देवी देवता जो बंजार घाटी से यहाँ पर आते थे और कई वर्ष से आ रहे थे, उन सब देवी देवताओं के टेंटों को प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती हटाना ये भी हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की अनेक चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए आज का दिन हम आक्रोश रैली के रूप में और काला दिवस के रूप में मना रहे हैं कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।